とこの男は何かある。絶対に何かあるはずだ。強さの秘密が強者を引き寄せる。なぜなら強いから。Tu vuelo de sueño, mi anime, cuyo anime batgruva One Punch Man 2. हाँ, मुझे वन पंच मैन वन के ऊपर एक रिव्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ऑलरेडी पॉपुलर है। पर वन पंच मैन टू के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसको देखना होगा, क्योंकि एनमी असल में देखा जाए तो थोड़ी एक अलग ही सीज़न वन के मुकाबले। तो पहले मैं बता देता हूँ कि सीज़न वन क्या था। सीज़न वन जो था असल में एक इंट्रो था जो पूरी तरीके से साइतामा के आसपास एंड साइतामा के फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा दिखाया गया था। एंड असल में एक एंटरटेनिंग एनिमी था सीज़न वन। बट जो सीज़न टू है वो थोड़ा एक अलग ही है। एनिमी के अंदर वैसे कॉमेडी और एक्शन तो वैसे ही है एंड कैरेक्टर भी वैसे ही है, पर कुछ चीज़ें थोड़ी अलग है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सीज़न टू, जो अगर मैं बात करूँ सीज़न टू की, सीज़न टू की शुरुआत थी कुछ ऐसी होती है कि होती तो भले वो साइतामा से है, बट सीज़न के अंदर एक ऐसा एपिसोड है 13 जहाँ से गारो को लेके ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अब मैं बोलना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में अब गारो कौन है। अगर सीज़न वन के अंदर तुम्हें याद होगा, जब एक मीटर आ रहा होता है तो सिल्वर फेंग अपने एक डिसिपल की बात कर रहा होता है कि उसका एक चेला है जो असल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो अभी फिलहाल जेल में, तो ये वही स्टूडेंट असल में गारो है। तो इस सीरीज़ के अंदर जो गारो होता है वो जेल के अंदर से बहुत सारे जनों को मार के भाग जाता है एंड वो हीरोज़ को हंट कर रहा होता है, आई मीन हीरोज़ का वो शिकार कर रहा होता है। उसको सिर्फ हीरोज से मतलब है। एंड जिसको देख के सिल्वर फैंग एंड उसका आई थिंक भाई के टीचर पता, हाँ ओके मुझे नहीं पता, वो दो गारो को ढूंढते एंड बहुत सारे जन गारो को ढूंढने लग जाते हैं। गारो को नाम दे दिया जाता है द हीरो हंटर। अब मैं बात करता हूँ तो इसमें साइतामा क्या करता है। हम सब जानते हैं सीज़न वन से कि जो साइतामा है असल में एक खतरनाक दुश्मन को अभी तक ढूंढ रहा है, क्योंकि वो हीरो अपने फन के लिए बना एक एडवेंचर के लिए, पर जिसके कारण साइतामा सिल्वर फैंग का एक फेक स्टूडेंट बनकर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर चला जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिल्वर फैंग असल में मार्शल आर्ट में स्पेशल है एंड यही कारण है कि गारो भी मार्शल आर्ट्स में स्पेशल है, जिसके कारण साइतामा को इंटरेस्ट आता है एंड वो उस टूर्नामेंट में चला जाता है। एंड यहाँ से लेकर मैं बात करूँ एपिसोड 14 से लेकर 20 तक, असल में वही उसी साइतामा उसी कंपटीशन के अंदर ही रहता है एंड उसी सब जो गारो होता है शहर में ढूंढ ढूंढ के हीरोज को हंट कर रहा होता है, उनका शिकार कर रहा होता है। ये तो थी एक साइड की स्टोरी। एंड दूसरी साइड की जो स्टोरी ये होती है कि जो मॉन्स्टर्स है एलियन वो असल में अर्थ पे आके इन्वेट करना चाहते हैं एंड बाकियों को भी असल में मॉन्स्टर बना रहे। अगर याद होगा कि जो सीज़न वन था, सीज़न वन में लास्ट में कुछ एलियंस आ जाते हैं जिससे साइतामा बाकी के सुपीरियर्स रोक देते, बट यहाँ पे उस एलियन वाले लोग वापस आए हैं कोई दूसरे पर उसी के जान पहचान वाले हैं एंड वो ये थोड़े इससे अलग है एंड ये थोड़े कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। अगर मैं बात करूँ एनमी की, तो एनमी ने सबसे ज़्यादा जो हम बोलेंगे बेस तो नहीं, पर सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो गारो को लेके किया है कि गारो की क्या पर्सनैलिटी, क्योंकि पूरी एनमी अगर तुम देखोगे तो मेजोरिटी फोकस जो है गारो के ऊपर ही डाला गया एंड जो गारो असल में विलेन है बट बुरा नहीं है वो। हाँ, अभी थोड़ा यूनिक लग रहा है सुनने में, इस एरिए में वो विलन वाले काम कर पाए, वो एक रियल विलन नहीं है, क्योंकि ऐसे में इसकी एक बैक स्टोरी जहाँ पे इसका एक रीज़न होता है कि वो क्यों हीरोज को हंट कर रहा है एंड उस स्टोरी को तुम्हें भी देखना चाहिए। एंड इसके अंदर जो साइतामा है मुझे थोड़ा अलग लगा सीज़न वन में, क्योंकि सीज़न वन में जो साइतामा था वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से छुपा रहा था, बट यहाँ पर जो साइतामा अपनी फीलिंग्स को बताता है एंड कहीं ना कहीं मुझे एपिसोड 20 to 21 बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे जब साइतामा आता है जहाँ पे वो एक हीरो की डेफिनेशन देता है कि हीरो की डेफिनेशन असल में है कि असल में देखा जाए, वो सीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड इमोशनल था अब तक के साइतामा के आई थिंक सीज़न टू के अंदर जो सबसे बेस्ट मोमेंट है। एंड लास्ट एपिसोड में जो साइतामा का था वो तो और ही कमाल का होता है।
इसके अंदर अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इस एनिमे के अंदर साइतामा के ऊपर इतना कुछ फोकस नहीं है, सिवा कुछ ही एपिसोड के अंदर साइतामा है अपना ड्रेस पहन कर आएगा, बल्कि पूरा फोकस गारो के ऊपर ही दे दिया गया है। हो सकता है कि सीजन 3 में आई थिंक गारो कुछ मेन हो सकता है, मेन हीरोइन जिसके कारण इसी के साथ फोकस किया हो, एंड एनिमे के अंदर कुछ और भी सुपर हीरो कैरेक्टर्स है। एंड मुझे एक अलग चीज़ ये थी कि इस बार हमें इनके नाम भी मिल गए कि सुपर हीरोज के नाम के, जैसे कि जेनोसेस जो इस सीरीज़ का अब तक का मुझे सबसे फेवरेट एंड कूल सुपर हीरो जो लगता है उसका नाम है डीमन साइबोग। एंड साइतामा का नाम तो मैं तुम्हें बताने नहीं वाला क्योंकि तुम्हें उसके एनिमे देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल एनिमे की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि एनिमे अपने कॉमेडी को बनाए रखती है, नेक्शन को भी बनाए रखती है, एंड मुझे यहाँ के इसके कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं, भले वो सीज़न 1 हो या फिर सीज़न 2 हो, विलन के कैरेक्टर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एनिमे के। तो बस इतना ही था, तो टाटा एंड बाय बाय। तो अगर तुम्हें इस एनिमे के अंदर अगर तुम्हें साइतामा के लिए देख रहे हो तो देखो, बट आगे याद रखना सबसे ज़्यादा फोकस गारो के ऊपर।